दोस्तों एपिसोड देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि मेकर्स करण कुंद्रा को बनाने जा रहे हैं इस सीजन का विनर। जब भी आप लाइव फीड चलाओ तो करण कुंद्रा का ही कंटेंट चल रहा होता है। ना ही किचन में तेजस्वी को दिखाते हैं, ना ही हंसते खेलते उमर रियाज को, ना ही प्रतीक और निशांत की दोस्ती दिखा रहे हैं, ना ही शमिता शेट्टी का ग्लैमर। लाइव फीड में सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि करण कुंद्रा बैठे होते हैं और उनके आसपास कुछ लोग बैठे रहते हैं जिन्हें करण सलाह दे रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि ये बिग बॉस नहीं बल्कि लव स्कूल या फिर स्प्लिट विला ही चल रहा है, जहां करण मेंटोर है और बाकी के लोग कंटेस्टेंट। इसके अलावा मेकर्स ने करण पर अलग से प्रोमो भी चलाए। जब विशाल ने सूझबूझ से घर के अंदर फिर से एंट्री ली तो उसे विशाल की धोखेबाजी कह दिया, और जब करण ने घर वालों से मैप लेने की कोशिश की तो उसे कह दिया करण नीति। भाई कहीं ना कहीं तो प्रोमोस का इम्पैक्ट ऑडियंस पर पड़ता ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, फराह खान आई और करण कुंद्रा को नंबर वन पोजीशन दे दी, जबकि दो हफ्तों से नंबर वन पर तेजस्वी प्रकाश है। हमें तो यह लगता है कि अगर ऐसे ही मेकर्स ने इस शो को करण के इर्द गिर्द घुमाया तो इस शो में करण को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ताज़ातरीन खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।